स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख ले, फिर इस पार्ट को जरूर देखें। आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा था और किस तरीके से क्या क्या रीजंस थे जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक स्टेगनेंट फेस आया था। आज हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से वहां पर था और एट द टाइम ऑफ प्री ब्रिटिश रूल क्या क्या पॉलिसीज थी। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल। जैसे एग्रीकल्चर पे देखा हमने, वैसे ही हम इंडिया डेवलप नहीं हो पाया था अपने इंडस्ट्रियल बेस को लेकर ब्रिटिश रूल के समय। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आर एज फॉलोज। बहुत ही कंडीशन खराब थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी, और क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से ये सब चीजें थी, आइए वन बाय वन लुकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सेकेंड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये सारे रीजंस थे जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो फॉल हो रहा था। फर्स्ट रीजन को हम देख लेते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या मतलब हुआ इसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे वहां पर क्या किया था, पूरी चीज इंडियन की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, एक्चुअली इंडिया बहुत फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को लेकर, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरीके से रूल्स फॉलो किए जिससे कि उनको ना ही कोई मॉडर्न बेस मिला जिससे कि वो कम अप कर सके, और धीरे धीरे इवेंचुअली ये सारी चीजें डिक्लाइन होती चली गई। दे इंट्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इन्होंने सबसे बड़ी बात तो टैरिफ पॉलिसी लगा दी थी। टैरिफ मतलब होता है एक तरीके से बैरियर्स होते हैं दैट अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। इन्होंने क्या किया था, जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का इंडिया से, तो ये लोग क्या करते थे, जो लेते थे चीजें वो कम दाम में लेते थे, और जो ये अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो इंडिया तो दे देती थी इनको, लेकिन ये जो अपने गुड्स थे इनको ये हायर प्राइसेस में बेचते थे। बट हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। और इन्होंने दूसरी बात, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का अगर कोई चाहता एक्सपोर्ट हो हमारे यहाँ से, तो इन्होंने एक तो ड्यूटी जो लगा रखी थी उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा लगा रखी थी। सेकेंड रीजन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दूसरा मेन कारण था डिक्लाइन का, सबसे बड़ा मेन फैक्टर था हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली जो लोग थे, जो आर्टिशंस थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड है, मतलब एग्रीकल्चर ही उनके पास मेन सोर्स बन गया, इसके अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता था कि हम और आगे किस तरीके से बढ़े। सेकेंड, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो गया फिनिश गुड्स का, जो इंडियन मेड गुड्स थे कुड नॉट विदस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चिप गुड्स। एक्चुअली इंडियन जो थे लेबर फोर्स इनके पास ज्यादा थी, तो ये लोग तो खुद ही घर पे बनाया करते थे चीजें, और ये मशीन मेड गुड्स की कंपटीशन में नहीं खड़े उतरते थे जो कि फॉरेन इंडस्ट्रीज करती थी, तो इट एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ऑब्वियसली सी बात है, इनकरेजमेंट मिलता था ब्रिटेन को, ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। अब वहां पर जो फेस था उस समय, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की जो कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। कैपिटल गुड्स होती क्या इंडस्ट्री? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज रेफर टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि मशीन टूल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके, आर्टिकल्स निकाल सके करंट कंजप्शन के लिए, बट ये सारी चीजों की कमी थी उस समय। British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain. और British के rulers तो पहले से यही चाहते थे कि India के जो लोग हैं वो हम पे ही dependent रहे, और वो उस चीज को improvement करने के लिए कुछ नहीं करते थे, चाहे वो supply हो capital goods की, चाहे heavy equipments हो, किसी भी चीज में Britishers की तरफ से कोई मदद Indian को नहीं मिलती थी। Next, low contribution to GDP. Next important factor था low contribution. GDP यानी gross domestic product. जो ग्रोथ रेट थी न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर की और जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी का, वो हमेशा से ही लो रहा ड्यू टू लो लेवल ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो भी बहुत लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन पार्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जो हमारा पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट था सिर्फ वो इन्हीं पार्ट्स में, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, इन सब में ही सिमट कर रह गया, इससे आगे बढ़ा ही नहीं।
फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट अल्टीमेटली हम एक ही चीज कंक्लूड कर सकते हैं इन सबको पढ़ने के बाद दैट हमारी जो इंडिया थी रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश रूल के टाइम हमारा इंडियन इकोनॉमी जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी हम लोग बैकवर्ड ही थे. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ. थैंक यू.